MC Stan, हम लोग का हॉस्टल का ये देखो क्या हो गया तेरे करण 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 तो मटर नीचे कर लो तो मटर नीचे कर लो करण है करण दोस्त क्या कंबल ले रहे तू नहीं तेरे लिए कंबल लेते हैं आपको जितना भी देखो यहाँ में ना सुंदर सुंदर घर और ऐसे लाइक कुछ देखने को मिलेगा और कुछ भी देख कोई कोई लोग पूछ रहा था कि कमेंट में कौन सा जगह में है ओके कौन सा जगह में कॉलेज पढ़ रहा है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज मी योर लालू राय वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड टुडे वी आर गोइंग आउटसाइड द हॉस्टल फाइनली आज जेल से छुटकारा मिलेगा हम लोग को एंड आई एम गोना शो यू समथिंग न्यू टुडे माइकल भैया वापस नहीं आएगा तथा हम जा रहे हैं क्यों इतना इतना पैसा देगा एडमिशन किया वो जाना ही पड़ेगा ठीक है काफ़ी गर्म है आज आज संडे है वैसे भी वैसे बहुत गर्म है एक दो तीन और अंदर में अभी तीन और आ रहा है एंड ये देख लो यहाँ पे दिस वन इज आवर कॉलेज सेकेंड लास्ट फ्लोर है थर्ड फ्लोर जो हम लोग एंड दिस इज माई सेकेंड ब्लॉक जो कि हॉस्टल में होने वाला है ये आदमी का कूल है दोस्त तेरा कपड़ा दिखाओ डायरेक्ट निशी वाला कपड़ा है ओरिजिनल ना और ये देखो जिस कारा इसका 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 नाम पता नहीं और इसका चारू क्योंकि ये अलग हॉस्टल में रहता है अलग हॉस्टल में हम लोग का हॉस्टल का ही लेकिन ये अलग रूम में रहता है एंड ये और एक कारा और ये चारों हम लोग सेम रूम में उसका वजह से हम लोग साथ में घूम रहे निकल रहे लड़का लोग भी हम लोग का हॉस्टल का ही है इन बाहर जा रहा है अभी एंड यहाँ से नज़ारा देखो गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जीरो में आप जब आता है आपको एक यूनिक चीज़ मिल जाता है यहाँ देखने को ये जो पाइन ट्री है ना ये लोग बहुत सुंदर है एंड सेकेंड थिंग ये बम्बू जो नहीं होता है ना जो बम्बू है ना आपको बहुत सारा बम्बू देखने मिले असला बम्बू इसको बम्बू को क्या बोलते हैं बम्बू का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता नहीं वो पता है इधर ये इंग्लिश में तो बम्बू तो बोलते हैं नहीं मतलब बम्बू का भी तो अलग अलग वेरियंट होता है ना नाम अलग अलग नाम हाँ बोल सकते हैं चाइनीज बम्बू है ये कोई कोई लोग पूछ रहा था कि कमेंट में कौन सा जगह में है ओके कौन सा जगह में कॉलेज पढ़ रहा है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या में कहाँ में औकात है तेरा औकात है दोस्त औकात है तेरा अपनी अपनी चड्डी देखे है तूने हाँ एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीरो है देखो सुंदर है यहाँ से देखने में एक अलग ही नज़ारा है देखो क्या बाहर देखो ये देखो बहुत सुंदर है देखो कुट्टा कुछ लड़के बोल रहा है शायद मेरा शक्ल बहुत खराब होता है कुट्टा भी लड़के बोल जैसे तरह पहले लड़की लोग भैया भाई बोल दिया हम थोड़ा सामने जाके मेरा पेस दिखा दे मैं पत भी जाना था दूर से बोला ना इसलिए जो समझ आना था दस दिन समझा ना अपना 1K सब्सक्राइबर दिखा दो उसका भैया नहीं बोलेगा सैया मेरा सैया बोल के बोलेगा ना वही तो देखने से ना क्या पता कुछ भी हो सुना ये अपतनी प्राइस में पानी के जी बहुत फेमस है यहाँ पे एंड आपको बहुत सारे यहाँ पे ना देखने को मिल जाए ऐसे लगा देखो अभी चावल अभी अच्छा से नहीं हुआ है अक्टूबर नवंबर को चावल जो मतलब अच्छा से वो ठीक हो जाता है ये देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीरो अभी सीजन है थोड़ा चावल निकल रहा है लेकिन इसका अंदर अभी तक कुर्ती थोड़ा वो नहीं हुआ है पोम नहीं हुआ है लेकिन मान गया लेकिन कुर्ती इतना अच्छा से पोम नहीं हुआ है एंड आपको जितना भी देखो यहाँ में ना सुंदर सुंदर घर और ऐसे लाइक कुछ देखने को मिलेगा और कुछ भी देखने में बस केती केती घर केती घर केती बस वही देखने में मिलेगा आपको पता है ना जीरो जो एक टूरिस्ट प्लेस में भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जीरो में सबसे फेमस चीज़ है इसका म्यूजिक फेस्टिवल जो कि आई थिंक ये मंथ को होने वाला है अक्टूबर समथिंग होता है अक्टूबर सितंबर से आई डोंट नो क्योंकि कभी मैं म्यूजिक फेस्टिवल जाके नहीं देखा ये तो इतना आइडिया नहीं है एक्सपेंसिव हाँ वो थोड़ा है एक्सपेंसिव ना कॉलेज का तरफ से कुछ म्यूजिक फेस्टिवल में कुछ थोड़ा सा भी मौका मिलता है वाला सा आई एम गोइंग टू शो यू गाइस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं अपना म्यूजिक फेस्टिवल का जो चीज़ होने वाला है उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है एंड भी ये अंदर में ना बहुत सारा मछली है पोखरी है इन लोग ना अपनी प्राइवेट लोग एक चीज़ फायदा है इन लोग मतलब उसका साथ में क्या बोलते हैं इसका प्राइस का साथ में उसमें मछली भी पड़ता है अंदर में तो मछली लोग भी मतलब वो राइस का जो उसको ही खा के बैठे मछली भी पाड़ते हैं उन्हें राइस के साथ में
शक्ल टिके तेरा शायद मेरा सब्सक्राइबर लड़की बात नहीं होने से मर भी जाए ना लड़की बी एस भी हो सकता है हम तो इसलिए दिखाने दिलने एम सी स्टैन हम लोग हॉस्टल का क्या हो गया तुम और हम लोग आएगा पेपर है पेपर है असल का रात को होगा हंगामा हो गया रैप गाते रहे चोर की गच्ची भाई साहब इतना बढ़िया है लेडी व्हाट अ ब्यूटी यहाँ पे आप रेस कर सकते हैं मजा है अब यह पता नहीं ट्राइब का कल्चर है जो पानी की जो जो कि इंटरेस्टिंग है देखने पे धान निकलता है तब बहुत सुंदर लगता है जब वो धान जो पक जाने का उसके बाद जब इन लोग धान को लेने के लिए जब एक सीजन आता है वो सीजन भी मतलब देखने अलग से इंटरेस्टिंग होते हैं दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं है घर और बस इसलिए हरियाली ये सब देखने को मिलेगी ये सब देखो ये सब देखने को मिलेगी कुछ भी नहीं ये मरवा है ये मरवा है वीडियो कर रहे हैं ना क्या कर रहे हैं अपना यालू पानी पीते हुए ये ओ माउंटेन दिख रहा है वो कासा रिजोर्ट है कासा ओ ये जिसे उसमें देखा है अच्छा ऊपर उड़ाता है ना दिमाग गरम क्या बोलता है इसका गेटिस नाम मालूम नहीं गेटिस बोलते हैं स्लिंग शॉट वही तो स्लिंग शॉट कहाँ बढ़िया है बहुत ऊपर उड़ाता है बंजी जब्पी मत उड़ा दो नहीं बंजी तो नहीं बंजी जाए मारेगा ऊपर दोस्त क्या कंबल ले रहे तुम नहीं विचित तेरे लिए कंबल लेता हूँ दोस्त तुम क्या रहता है हम इसको लेके केती बनाएगा ऐसे क्या है एग्जैक्टली ये जो पता नहीं इसको यहाँ पे नंदा श्याम किसको उसको लेके किसको गिफ्ट देगा मेरा ला तूने मेरा वीडियो बहुत कल से देखा है साले तूने मेरा वीडियो बहुत मैंने भी देखा तूने भी देखा है किसने मुझे मारा था वो बता दे तो फाइनली गाइस हम आ चुके थे ऑल जीरो एंड अपोलो जगह से जा रहा है तो आज हापोली बन है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं एंड अभी हम लोग ऑल जीरो पे आ चुके हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल जीरो रास्ता है मैं रास्ता का कोना कोना पर मार्केट ही मार्केट हैरी पॉटर गांधी जी लग रहा है मोर देन गांधी जी लग रहा है मोर देन और बाल आने वाला बाल आने वाला अलग दिखा देना गांधी जी क्या बोला क्या बोला एक गाल में चाटा मारने सारे गाल दिखा दो ले ले भाई मार दे मार दे सुभाष चंद्र बोस जो ये पोएता ना बहुत कहानी लिखता था उसका जैसे लग रहा था नाक भी देखो ना नाक को बोल दिया बात है दोस्त फेल दो दोस्त हम अभी इसका इसके बच्चा का बाल काट लेगा आगे उसके बाद हम चले अपने बुक लेने उसके बाद फिर लेके वापस जाएंगे हॉस्टल एंड आज का ब्लॉग आई थिंक वहाँ पे खत्म हो गया तो अभी हम घूम रहे हैं ऑल जीरो में एंड बुक मेरे लिए सब ले चलो यो ब्रो लेट्स गो अभी हम लोग बहुत चलने के बाद अभी हम लोग बहुत भूख लग गया ठीक है ये इंसान कारा लंबू चारू एंड मिबोंग तो हम लोग कहना आ गया अभी तो अभी हम कहना आ गए जब खत्म ही हुआ था एंड खतरनाक बारिश आ चुका है यहाँ पे ये देखो द वेदर ऑफ जीरो अभी अभी बोला था ना वेदर जीरो जीरो को लड़की और जीरो को वेदर को भरोसा मत करा था दिस इज द रीजन अभी हम लोग को वापस हॉस्टल जाना है एंड जितना या जो कुछ हम लोग सामान था वो ले चुका है एंड लेके अभी वापस जाने के लिए करा था इस बारिश आ गया खतरा से और साथ में जो मेरा चीज़ सामान ढूंढा था वो नहीं मिला मुझे हापोली जाके वहाँ से लेना पड़ेगा बुक स्टोर से तो देखता है क्या होता है अभी
पाकिस्तान हॉस्टल जाना है एंड बारिश बहुत खतरा से आ रही है यहाँ पे, बारिश के बारे से थोड़ा सूखा हुआ है, देखिए बारिश तो थोड़ा कम होने लगा धूप रहे। ये देखो अभी देखो धूप आ रहा है ना, वेदर देखो अभी इधर काला हो गया था, इधर क्लीन हो गया धूप जी, देखिए इधर क्लीन यहाँ को वेदर जो डायरेक्ट स्टेबल ही नहीं है, एनी टाइम चेंज हो जाता है, डायरेक्ट थोड़ा सा स्टेबल वाला वेदर नहीं है। तेरा भी कपड़ा सुखाया था क्या? नहीं हम तो पता था ना बारिश गिरेगा, हाँ हाँ इसलिए कपड़ा हम सुखाए नहीं। तो ये आदमी कपड़ा सुखाया, इसका सुखाया, तेरा भी सुखाया कपड़ा, इसका भी सुखाया और मेरा भी सुखाया था, लेकिन हम अंदर घुसा दिया इसलिए मेरा बच गया। फाइनली बारिश रुक गया, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। चलो ना, फाइनली वी आर गोइंग टू बुला विलेज जो हम लोग का जाना है। बारिश फिर आ रहे हैं और मेरा तकला भी रहा है, कैसे यू कैन सी चट्टा में घुसेगा। सलून तो यहाँ भी है तो बारिश चाहता चाहता जूता वगैरह मुझे तो नहीं लगता कोई लिफ्ट देने वाला है, तो कोई अच्छा आदमी है नहीं यहाँ। दोस्तों तरह शक्ल देखे कोई लिफ्ट देखा नहीं लग रहा है पैदल से ये तो जा लेगा बहुत दिए है तो तुमको लिफ्ट केला अच्छा आदमी नहीं है, तुम ही गुंडा जैसे है तो कहाँ से अच्छा आदमी दिखाई देगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अपना काम कर रहे हैं ना हम, हमको देखा वो दोस्त। चलो अटैक, मजा आ रहा है दोस्त। तो गाइस अभी हम लोग बकेट ऊपर आ गया, जेसीबी का बकेट का ऊपर आ गया। दिस इज सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए यहाँ से, ये देखो पूरा क्रेजी है, क्रेजी क्या है, ओके क्रेजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा हर चीज दिखाई दे रहा है यहाँ से, पूरा ये दिख रहा है वो दिख रहा है, बस नहीं गिरने से, बस नहीं गिरना है। यहाँ पूरा हर चीज पूरा उतर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, उठाया तो अभी वापस उतार है हम लोग, ये देखो उठा रहा है, तो दर्द नहीं लग रहा था, बस नहीं करना है। ओ भाई साहब क्या ला पर हमने आ गए, यहाँ भी गिर गया हम लोग, टोले हो जाएगा लाइव बिल पर टोले। तो यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी भी आ रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी ऐसे जाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ता बहुत नैरो है, वो करंट भी सामने आ गया हम लोग का, डायरेक्ट सामने, ये देखो डायरेक्ट करंट जो सामने आ गया। तो कम से कम पैदल तो नहीं चलना पड़ रहा है ऊपर से, तो मोटर नीचे कर लो, तो मोटर नीचे कर लो, करंट है करंट, बस आगे जाएगा। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसे बकेट में, पोकर पूरा गंदा हो गया, दोस्तों पोकर देखो इसका भी थोड़ा गंदा हो गया। तो दोस्त लोग कैसे लगा है? लगा ऐसे दोनों को देख के और मजा लगा, हम लोग करम मजा से व्यू देख रहे थे ऊपर से। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपका नाम क्या है? मुंशी दालम, थैंक यू सो मच, क्या एक खतरनाक एक्सपीरियंस था इसमें, मेरा पोकर गंदा हो गया दोस्त, पोकर पोकर गंदा हो गया, जब जब ना
वो करण ये वाला करण का ये वाला पोस्ट का ऊपर उतार दिया, डायरेक्ट गान पड़ गया था मेरा। ये बच्चा इतना सामने वाला था, एक्सपीरियंस कैसा रहा होता? बढ़िया था ना, मज़ा दिख रहा था तुम लोग, मज़ा था, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था करने के लिए। उसे ऐसे करने के लिए भी एक आपका अंदर में वो चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून। एंड वो जैसे भी दिख रहा है ना, वो जैसे भी जो हम लोग उठाने वाला सच में आज बहुत एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा मिल रहा पड़ता है। एक तो इतना दूर पैदल मारा है, फर्स्ट थिंग ना। सेकेंड थिंग क्या है, बारिश का मजा ले लिया। थर्ड थिंग है कि हम लोग अभी जैसे भी का लिफ्ट लेके मजा ले लिया, इतना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस करने मिला है। एक ही लाइफ है, जितना हो सके क्रेजी और फन करने की कोशिश करो। तो अभी अभी हम हॉस्टल जा रहे हैं, तो आज के लिए ब्लॉग बस यही पे खत्म करते हैं। अभी हॉस्टल पहुंच के अभी क्या करना है, डेली वही दिखा रहे हैं जो हॉस्टल में डेली दिखा रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ, प्राइड सेफ एंड स्टे सेफ। Till then, bye-bye.